गाउन पर गदर, यही है हमारा आज का मुद्दा। मंदिर में महिलाएं किस तरह के कपड़े पहनकर जाएं, इसी मुद्दे पर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। ठाणे के एक मंदिर में महिलाओं के मैक्सी पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। गांव की महिलाओं ने मंदिर प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें लिंग के आधार पर इस तरह की पाबंदी मंजूर नहीं है। ये मुद्दा और कितना गरमाएगा और इस पर बहस क्या रुख लेगी, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा अपने इस खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और डिबेट की शुरुआत होगी कुछ ही देर में। 3 मिनट 23 सेकंड बाद चर्चा शुरू करेंगे। देवी के मंदिर में पूजा के लिए आई इन महिलाओं को देखिए। आस्था और भक्ति से सराबोर ये महिलाएं देवी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। जरा इनके कपड़ों को देखिए, कोई साड़ी में है, किसी ने सूट पहन रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इनके कपड़ों के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो जवाब है ठाणे के कोपर गांव में महालसा देवी मंदिर के बाहर लगा ये बोर्ड। गांव में देवी माता के नाम से मशहूर मंदिर में इस बोर्ड पर लिखा है कि मंदिर में मैक्सी पहनकर आना मना है। जी हाँ, इस मंदिर में मैक्सी या नाइट सूट पहनकर आना मना है। इस पाबंदी के पीछे मंदिर प्रशासन की दलील है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। मच्छी बेचने के बाद वही ड्रेस में, बहुत सारी औरतें मच्छी बेचते टाइम मैक्सी पहनते, तो गंदा बास होता है और 8-10 दिन धोया नहीं जाता है वो मैक्सी। उसके बाद अब वही मैक्सी घर में यूज होती है, शौचालय में होती है, बाथरूम में होती है। मंदिर प्रशासन की दलील है कि मैक्सी यानी कि गाउन में महिलाओं के मंदिर आने पर पाबंदी का फैसला गाँव वालों की सलाह के बाद लिया गया है। उधर कोपर गांव की महिलाओं का भी यही मानना है कि मंदिर में आने के लिए शुद्ध मन के साथ साथ साफ सुथरे कपड़े भी पहने जाने चाहिए। बिल्कुल सही है, पाबंदी ऐसे नहीं लगाया है, लेकिन जस्ट उन्होंने रिक्वेस्ट किया है लोगों को कि आप लोग ढंग के कपड़े यानी मैक्सी पहन के मत आइएगा। अभी हम घर में करते हैं तो मैक्सी करके डाल के पूजा तुरंत करते हैं, यहाँ घूम वाम के आते हैं मंदिर में तो अच्छा नहीं लगता है। ये मैक्सी अच्छा नहीं है, मैक्सी क्या है, नाइटी है, नाइट में थोड़ा फ्री रहने के लिए पहनने का है, ये मंदिर में नॉट अलाउड है, मंदिर में अच्छा नहीं लगता है। आप शादी में जाते हैं तो थोड़ी मैक्सी में जाते हैं, नहीं। मंदिर प्रशासन के मैक्सी पहनकर देवालय आने पर बैन के फैसले के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। कई महिलाओं का कहना है कि मंदिर में आने के लिए कपड़े अहमियत नहीं रखते, बल्कि मन में श्रद्धा भक्ति का भाव होना चाहिए। ऐसा किसने बोला कि मैक्सी पहनेंगे तो सफाई नहीं होती और साड़ी पहनेंगे तो सफाई होती है? ये किसने तय किया? मंदिर में जाने के लिए अपने मन में कितनी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि तुम लोग क्या पहन के आ रहे हो, तुम लोग कुछ भी पहन के जाओ। मंदिर प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर महिलाओं के मैक्सी पहनकर आने पर मनाही है तो पुरुषों के लुंगी पहनकर मंदिर में आने पर क्यों रोक नहीं। महिलाओं का सवाल है कि अगर साफ सफाई की वजह से मैक्सी पर एतराज है तो फिर लुंगी में मंदिर आने वाले पुरुषों के लिए कोई नियम क्यों नहीं। मंदिर प्रशासन ने अपनी सफाई में ये कहा है कि यह निर्णय स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सफाई का निर्णय सिर्फ महिलाओं तक सीमित क्यों किया गया है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ हाजरा बी, IBN 7, मुंबई। तो गाउन पहनकर मंदिर में प्रवेश को लेकर बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो कि आज हम मुद्दे में उठाएंगे। बड़ा और अहम सवाल ये कि क्या भगवान की पूजा के लिए कोई ड्रेस कोड होना चाहिए या फिर नहीं। एक अहम सवाल ये कि किस धर्म ग्रंथ में पूजा के लिए पोशाक का विधान लिखा है। एक अहम सवाल ये कि पूजा स्थलों पर महिलाओं पर ही हर तरह की पाबंदी क्यों लगाई जाती है। पुजारियों और ट्रस्टियों को पोशाक तय करने का हक किसने दिया। और अहम सवाल ये कि मैक्सी पहनकर पूजा करने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय एक बार करा देती हूँ, उसके बाद करेंगे बहस की शुरुआत। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शायना एनसी मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, धर्म उपदेशक HS रावत हमारे साथ हैं, पत्रकार मनीषा हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश तिवारी अध्यक्ष ब्राह्मण एकता सेवा संस्था के हमारे साथ मौजूद हैं,
प्रज्ञा फर्नांडे सदस्य राष्ट्रीय सेविका समिति हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, पहला सवाल आप ही से, ये बताएं किस धर्म में लिखा है कि महिला के लिए कोई ड्रेस कोड होना चाहिए पूजा करने के लिए? देखिए, ऐसा है नवजोत जी, कोई भी जो धर्म होता है उसमें श्रद्धा, सफाई और भावना और ड्रेस कोड की जरूरत होती है। जैसे आप बच्चों को स्कूल भेजते हो तो वहाँ एक ड्रेस कोड होता है, कहीं पर भी इस तरह की जो व्यवस्थाएं की, आप कहीं किसी कंपनी में जाते हो, एक ड्रेस कोड होता है, क्योंकि उसके आधार पर काम करने में आसानी होती है। मंदिर एक ऐसी जगह पर है जहां पर आप जाते हो, बहुत शांति के साथ वहां जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लूज कपड़ों में जाते हो या बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों में जाते हो या आधे कपड़ों में जाते हो तो वहां पर लोगों का जो ध्यान है वो भटकता है और खुद का ध्यान भी भटकता है। अगर मान लो पुरुष का नहीं भटकेगा तो कहां ध्यान भटक गया, वो तो ऊपर से नीचे तक पूरी ढकी होती है। नहीं नहीं, उसमें क्या है कि जो हमारे जो कपड़े होते हैं, जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं वो कपड़ों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब उसको बताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप नीचे झुक रहे हैं इस तरीके से तो कपड़े पीछे की तरफ से टाइट हो जाते हैं, या आगे झुक रहे हैं तो आपके आगे का जो बदन है वो पूरा दिखाई देता है। साड़ी में ऐसा नहीं, साड़ी हमारी एक ट्रेडिशनल होता है, उसमें ब्लाउज फिक्स होता है, उसमें ब्लाउज फिक्स होता है और अच्छे तरीके से टाइट तरीके से उसको पहना जाता है, उसमें एक सभ्यता और शालीनता दिखाई देती है। और जो मैक्सी है ये पश्चिमी सभ्यता की दलील, मैक्सी जो है पश्चिमी सभ्यता की और साड़ी जो है हमारी हिंदू सभ्यता की है हमारी, तो इसलिए उसको हम बैन करते हैं और ये होना भी नहीं चाहिए। नहीं, आप देखिए, आप उसमें ये भी लिखा जा सकता था कि सभ्य कपड़े पहन कर आए, लेकिन आप मैक्सी आप बकायदा बता रहे हैं उनको कि आपको क्या पहन कर आना, सबसे ज्यादा स्त्रियां मैक्सी में ही आ रही होंगी तो उन्होंने मैक्सी लिख दिया जी। नहीं नवजोत, उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो मछुआरी औरतें हैं, जो मछली का काम करती हैं, वो औरतें यहाँ आती हैं, यानी कि जो श्रम कर रही औरत, जो औरत मजदूर है, उसको सीधे सीधे रोका जा रहा है। वो कह रहे हैं वो काम करके आती, काम करके, रावत जी की बात यहाँ कटती है, उसने कोई सा भी ड्रेस पहना है, आप ये कैसे मापेंगे कि उसकी आस्था कितनी है, उसकी आस्था खराब है, या जिसने बहुत अच्छे से साड़ी लपेटी हुई है उसकी आस्था बहुत असीम है और वो प्रार्थना करने ही आई है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें कुछ पुरुषों द्वारा औरतों पर जबरन थोपी जाती हैं, हो ना हो उन श्रमिक औरतों के खिलाफ कोई विचार रखता है, जो औरत सारा दिन अपना घर चलाए। मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, आप बताइए ये श्रमिक विरोधी बात है कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब शादी होती है उस समय एक ड्रेस कोड होता है, है? तो आपके हिसाब से, आपके हिसाब से मतलब नहीं है, शादी तो जब मंदिर में अगर आप जाते हो तो मंदिर में भी तो सभ्यता के हिसाब से जाना चाहिए ना, साफ सुथरा होकर के जाना चाहिए, ड्रेस कोड के हिसाब से जाना चाहिए ना। मंदिर कोई पिक्चर हॉल तो है नहीं कि जिस कपड़े में जाकर के घुस गए आपने फैशन दिखा दिया वहाँ। अरे भगवान के सामने जाते हो तो कम से कम आपको एक सभ्य कपड़े तो पहनने चाहिए। आप इसको घुमाइए मत, देखिए हम ईसाई नहीं है कि मास के लिए एक दिन जाएंगे हफ्ते में, हो सकता है। नहीं, आप क्या कहना चाहती है कि मैं गलत बोल रहा हूँ कहीं? आप ये कहना चाहती हो इसका मतलब आप चाहती है जैसे मर्जी आप उठिए जाकर के मंदिर में जाकर के आप मत्था टेक करके आ जाइए, जैसे मर्जी वैसे जा सकते हैं। पुरुष के लिए भी मैं मना करता हूँ, जब कभी लुंगी की बात हुई है तो लुंगी हमारी ट्रेडिशन है, लुंगी हमारी व्यवस्था है, साड़ी और ब्लाउज हमारी व्यवस्था है, पेटीकोट हमारी व्यवस्था है पहले से। अरे औरत के कपड़े देखती है, हम तो नहीं देखेंगे, औरत के कपड़े देख करके अपना दिमाग भटकाती रहती है। जात्रा आप शादी में जाकर के देखिए, एक दूसरे को देखती रहती है। हम मंदिर जाएंगे, हमें जो मर्जी हम नहीं देखते, हम नहीं देखते, औरत ही एक दूसरे को दिमाग में भटकती रहती है। वो पहन के जाएंगे। आप देखिए लॉजिकल बात करिए, आप यहाँ पर लॉजिकल बात करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए सही दलील रखिए। चलिए प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या कोई इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए मंदिर में पूजा को लेकर, खास तौर पर सिर्फ महिलाओं पर, या फिर ये इंस्ट्रक्शंस पुरुषों के लिए भी इक्वल होनी चाहिए? नहीं देखिए नवजोत जी, दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। हर चीज को धर्म से जोड़कर डिस्कशन होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हर डिस्कशन को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से जोड़ना जरूरी नहीं है। आप अगर आज बंगाल के कोई भी क्लब में चले जाएं, पुरुषों को ओपन सैंडल्स अलाउड नहीं है। आप कोई भी आर्मी क्लब में चले जाएं, कोई डिसिप्लिन होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और आप मुझसे कहेंगे कि नाइटी पहनकर हम मॉल में चले जाएंगे तो वो भी आप मुझे अटपटा सा लगेगा। मेरे ख्याल से भगवान का मंदिर क्लब नहीं है, बने हुए की बात है, वो मन की बात है। हों चर्च के हों, कोई क्लब्स के हों, कोई मॉल्स के हों, नहीं आई एम सॉरी, हर चीज को धर्म से जोड़कर आर्ग्यूमेंट करना थोड़ा इनकरेक्ट रहेगा। नहीं लेकिन धर्म यहाँ पर तो आस्था की बात है ना प्रियंका, आस्था की बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो
नहीं आस्था आस्था तो नहीं नहीं, फिर हम ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं हमें पढ़ाई से मतलब है तो हम नाइटी पहनकर स्कूल चले जाएं, हमारी आस्था तो एजुकेशन में है तो नाइटी पहने या हम स्विम सूट पहनकर चले जाएं तो हमें ध्यान हमारी पढ़ाई पे है, तो ये आर्ग्यूमेंट क्वाइट बेसलेस है। आप स्विमिंग करने जाती हैं तो क्या आप सलवार कमीज पहनकर जा सकती हैं? तो कोई नियम कानून होते हैं, हर जगह के नियम कानून होते हैं, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हर चीज को धर्म से ना जोड़ा जाए, हर चीज को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की मोड़ से ना देखा जाए। आदमियों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, महिलाओं के लिए भी होते हैं, महिलाओं का अधिकार जो है जो जब छीना जाता है, जैसे मंदिरों में एंट्री नहीं दी जा रही है, मस्जिदों में एंट्री नहीं दी जा रही है, उस पर हम आर्ग्यूमेंट करें तो बिल्कुल हमारा अधिकार बनता है कि जहां मर्दों को अलाउड है वहां महिलाओं को भी अलाउ होना चाहिए। तो आपकी पर्सनल राय है? नहीं, मैं आपको बस बता रही हूँ, आप सिंगापुर जाइए, आप बैंकॉक जाइए, वहाँ पे इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं होती, आपको पूरा सैरोंग दिया जाता है, लिखा भी नहीं जाता, हम इसीलिए ये मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि लिखा गया है, पाबंदी लगाई गई, वहाँ की महिलाएं इसको इसके अगेंस्ट है। चाइना एनसी आपका स्टैंड क्या है, आप बताएं? नहीं, पैलेस आप, मैं आपको बता, बैंकॉक के पैलेस में जाइए, वहां पे भी इस तरीके का रूल एंड रेगुलेशन है, तो हम उस पे आपत्ति जताते हैं, क्या हम उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो बताते हैं? वो एक अलग चीज है प्रियंका, वो एक अलग चीज है, हम तो मंदिर की बात कर रहे हैं ना, वो श्रमिक महिलाएं, मनीषा ने बहुत अच्छे से बताया, वो श्रमिक महिलाएं, हाउ इज इट एनी डिफरेंट? मनीषा मैं आपसे पूछ रही हूं, सहमत हैं या नहीं? स्विमिंग पूल के बाहर लिखा जाता है, इन्होंने पूरी बात नहीं सुनी, उन्होंने ये बताया वहां पर जो मंदिर में लोग हैं उन लोगों ने बताया कि क्योंकि यहां पर आसपास कुछ श्रमिक महिलाएं हैं जो सारे दिन मछली का काम करती हैं, मछली का काम करने के बाद वो वहां देखिए गलत, वो देखिए वो उनके एक्सक्यूजेस, आप देखिए उससे मैं भी सहमत नहीं हूं, तो आपके कपड़ों से बदबू आएगी, अगर मैं रिक्शा चलाऊंगी तो मेरे शरीर से पसीने की बदबू आएगी। देखिए मैं भी उसके कह सकते कि आप नहीं आ सकते, वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, अरे मैं उस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूं, मैं उस आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं हूँ, ना ही यहाँ पे जो आचार्य बैठे हैं उनके आर्ग्यूमेंट से सहमत हूँ, आई एम सॉरी। आप इसको, ये मैंने फिर से शुरू में ही कहा, मैं धर्म से इसको नहीं जोड़ूंगी, और जो आर्ग्यूमेंट वहाँ के ट्रस्टीज दे रहे हैं उससे सहमत नहीं हूँ, पर हाँ हर जगह के नियम एक चीज तो बतानी पड़ेगी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वही सवाल रावत जी, आपका उद्देश्य नहीं सुन रहे हम, आप ये बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही बता दीजिए आप। लगा आप उससे सहमत है प्रियंका, ऐसा होना चाहिए, जो नोटिस लगा वो बिल्कुल ठीक लगाया गया, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, नोटिस की बात नहीं है, अगर कोई नियम कानून है, कोई मंदिरों में नियम अगर ये है कि महिलाओं को अंदर नहीं आने देना जाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ। आप मुद्दे से मत भटकिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप बोर्ड लगा हुआ है, आप उसकी सहमति में हैं या नहीं है? मंदिर स्पेसिफिक हो, आई डोंट थिंक सो, उस पे बवाल उठ रहा है। प्रियंका जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है, नहीं वो ठीक है, स्विमिंग पूल की बात आपने कही, सुनी मैंने, बाकी मेहमानों को भी इंक्लूड करना है, सिर्फ इतना बता दीजिए इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि वहां पर जो नोटिस लगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चाइना एनसी में आपके पास आना चाहूंगी, आप ये बताएं कि आप सहमत हैं इससे या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलता है या मिलना चाहिए जब वो जाती है मंदिर में, हम वो ही चाहेंगे कि वो भी एक सम्मान के साथ वहां जाएं जहां निष्ठा श्रद्धा का सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि आपके पहनावे से ये तय हो सकता है कि आपकी निष्ठा क्या है या आपकी सोच क्या है, लेकिन ज़रूर मैं मानती हूँ कि जब आप एक पब्लिक स्पेस में हो, आज मंदिर हो या मंदिर के बाहर हो, मैं ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं को एक ढंग से पेश आना चाहिए। और इस बात में मैं प्रियंका जी से सहमत हूँ कि जब हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात या चर्चा नहीं है। जब मुद्दा ये उठता है कि आपका हक क्या है, हक एक तरफ, लेकिन वो हक मिलने के बाद आप वो हक का इस्तेमाल किस ढंग से करते हैं। मैं मानती हूँ कि जो ये मुद्दा का, ये विवाद का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि हर एक महिला जानती है कि जब वो जाती है मंदिर किस ढंग से उसको पेश आना चाहिए। हाँ। और जो हमारी संस्कृति सभ्यता में है हम जानते हैं कि किस ढंग से पेश आना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि वो सर्कुलर में ये
कहना सही उचित होता कि सभ्य कपड़े पहन सभ्य कपड़े जिसकी बात हम भी कर रहे थे। सभ्य क्या है जिसके बारे में आप खुद जानते हैं, आप कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप कोई टाइट फिटिंग हगिंग ड्रेस पहन के मंदिर नहीं जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको ये भी सोचना चाहिए कि सबसे बेहतरीन पोशाक मंदिर के लिए क्या है, वो हर एक महिला खुद जानती है। जी, और जी, बात लौटूंगी। टिप्पणी करते हैं एक मिनट एक सेकेंड जब टिप्पणी करते हैं सभ्य कपड़े का, तो वो पुरुष के लिए भी कीजिए। कितनी बार हमने देखा है कि पुरुष वहाँ लुंगी और बनियान में आते हैं, कोई टिप्पणी नहीं होती है उसके बारे में। मैं इससे ना सहमत हूँ, जहाँ मैं मानती हूँ कि महिलाओं के प्रति आपने टिप्पणी की है तो पुरुष के प्रति भी उसी बयान से आप उसी दृष्टि से आप हर चीज को महिला और पुरुष की ड्रेस के साथ नहीं तोल सकती। नहीं, लेकिन गलत क्या कह रही है, बताए ना गलत क्या कह रही है। आपने बोला कि महिलाएं अगर नाइटी पहन कर आती है तो ध्यान भटकता है, तो क्या लुंगी सही है? ठीक है, हम मानते हैं ड्रेस है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमारे लाखों करोड़ों लोग शुरू से लुंगी पहन रहे हैं, मैक्सी नहीं पहन रहे हैं, ये पश्चिमी सप्ताह की ड्रेसेस स्त्रियां नहीं पहनती हैं। नहीं नवजोत, लुंगी नहीं, हमारे यहाँ पुरुष टॉपलेस रहते हैं, जब उन्होंने ऊपर के बदन में कुछ नहीं पहना होता तब कभी ये नहीं कहा जाता है कि उससे औरतों का ध्यान भटकेगा, क्योंकि औरतों का ध्यान तो भटकने के लिए है। इसलिए पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकर के आते हैं, वो मतलब है? उनकी मजदूरी रहती है, हर वक्त कपड़े पहन के धोनी करेंगे, और जब मंदिर में भी अगर वो जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन करके नहा धो करके जाते हैं। आप हर चीज को पुरुष के साथ जोड़ लोगे क्या? आप कैसे जोड़ लोगे पुरुष को? जो आदमी सुबह से शाम तक वो मजदूरी कर रहा है, मंदिर में मजदूरी कर रहा है, क्या वो कपड़े पहन करके मजदूरी करेगा क्या? मजदूरी करती है, वहाँ पर वही तो बोला गया कि सभ्य कपड़े और ऐसे कपड़े पहन कर गया जिसमें मंदिर में बुरा न लगे। आप क्या ये चाहते हैं कि मंदिर में ऐसी महिलाएं चली जाएं? मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद मैं अखिलेश जी आपके पास जाऊंगी। प्रज्ञा जी सुनिए एक मिनट, प्रज्ञा जी जल्दी से। हाँ, मैं भी एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप लोग जमीनी सच पे दूर हटके मुद्दा नहीं है जहाँ मुद्दा बना के सारे स्पीकर से, आई एम सॉरी, आप जो बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे बोर्ड साउथ इंडिया जाइए, पुरुष को बिना शर्ट एंट्री होती है। और क्या, अभी एक पुरुष संगठन आके आगे आके हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आपको पता अभी है ये चैनल वालों को और बाकी स्पीकर्स को, पुरुष को बिना शर्ट ही जाना होता है बहुत सारे मंदिरों में, लाइव दिखा दीजिए वीडियोस बना के। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जब पुरुष साधना में जाता है, तपस्या करता है, उस समय बदन पर कपड़े नहीं होते, कपड़े पहनने के कारण हवा के साथ स्पर्श होता है तो उसका ध्यान भटकता है। उन विधियों को समझने की जरूरत है आपको, आध्यात्म में जाने की जरूरत है खाली। ये इतना विशाल विषय है कि इसको समझिए ध्यान से, कि स्त्री को कपड़े अच्छे पहनने ही शोभा देते हैं। गाउन पर गदर मचो, सीधा चलेंगे। हमारे साथ अखिलेश सेवाल जी, ये प्रेसिडेंट हैं ब्राह्मण एकता सेवा संघ के। अखिलेश जी, आपके पास लौटना चाहूंगी, ये बताएं कि किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पूजा के लिए विशेष तौर पर सिर्फ महिलाओं को ही एक विशेष पोशाक पहननी होगी और ये पुरुषों पर लागू नहीं होता? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूजा की पद्धति होती है ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र द्वारा उसका मार्गदर्शन किया गया है। रामचरितमानस की मैं एक चौपाई का उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि बसनहीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। वस्त्रों का जहां पर मर्यादित बात है, सारे आभूषणों से सुसज्जित अगर महिला हो, अगर उसका वस्त्र सुसज्जित न हो तो सुंदर नहीं दिख सकती है। हमारे धर्म में महिलाओं को यत्र नार्यस्य पूजयन्ते रमते तत्र देवता, भारत का सनातन को हमेशा स्त्रियों को पूज्य और राम सीता को माना है। सुनिए सुनिए, भारत के सनातन को बर्बाद करने के लिए इस प्रकार के आक्षेपित जो बयान दिए जा रहे हैं ये निषेधार्ध है। कोई भी व्यक्ति अपने बहन का अपमान कैसे सह सकता है? अगर आपको मंदिर जाना है तो उसकी पद्धति माननी पड़ेगी, नहीं मानते तो आप जाओ ही मत। अगर वो कह रहे हैं कुछ श्रमिक औरतें जो गाउन पहन कर आती है वो नहीं आ सकती, आप लोग उस बात पे क्यों नहीं आते हैं? ये बात पुरुषों के लिए क्यों नहीं लागू होती? किसने कहा है
यदि हमारी परंपरा सनातन की, तो मंदिर के प्रशासनिक द्वारा जो निर्णय है उस पर परंपरा नहीं, सनातन की परंपरा है और स्त्री के लिए साड़ी की परंपरा है, तो परंपरा क्यों तोड़ते हो? दूसरे की स्वतंत्रता बाधित? अरे तो हमारे शास्त्र बताते हैं, हम थोड़ी बताते हैं मनीषा जी, शास्त्रों में लिखा हुआ है, पूजा पद्धति में लिखा हुआ है, नहीं होता है। कुछ चंद लोग भारत के सनातन को बर्बाद करने के लिए विश्व मंच पर बदनामी कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, संभव नहीं है अखिलेश जी, लौट रही हूँ। प्रज्ञा जी माननी है, प्रज्ञा जी मार्गदर्शन हमारे शास्त्रों में वर्णित है। प्रज्ञा जी बोलिए। अखिलेश जी और बाकी पैनलिस्ट से मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम इतना तो संस्कार रखे। बाकी एक पैनलिस्ट आपके बीच में बैठी हुई है, मैं आप जैसा सक्षम नहीं हूँ, मगर इस विषय में मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बोलिए प्रज्ञा जी बोलिए। और चेतन, हाँ, इस विषय में अननेसेसरी रिलीजन को बीच में ना लाते हुए एक सिंपल सी विषय है, जहाँ पर नियम कानून अगर है तो वो पुरुषों के लिए भी है। हर मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में पुरुषों की वेश धारणा में भी नियम है, तो नियम पालन करना है तो जाना है, नियम पालन नहीं करना है तो उस स्कूल को नहीं जाना है, उस मंदिर को नहीं जाना है, जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है वहां पर चले जाए। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जहाँ पर मुद्दा ही नहीं है वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला मुद्दा नहीं है। अगर टॉपलेस सारे हीरोज आते हैं अपने अवार्ड सेरेमनीज में, जब सलमान खान ने शर्ट उतारा तो किसी को दिक्कत नहीं है करके हम सारे हीरोइंस को उतारने के लिए बोलेंगे नहीं ना? एक सभ्य संस्कार जब है तो वो उस पे फिर जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है? तो महिला डिस्क्रिमिनेशन की मुद्दा क्यों नहीं बन रही है? सनातन को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ अखिलेश जी, मगर जब मुद्दा ऐसे उठाया जाता है तो हम उस बिंदु पे करेंगे जो तृप्ति देसाई है या ये ब्रिगेड जो काम कर रही है उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें ये बोलना चाहिए। हमें महिलाओं की डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर हो रही है, जहाँ पर पीट पीट के मारा जाता है, जहाँ दिशा को मारा गया है, जहाँ पेट के अंदर से निकाल के पूरा इंटेस्टाइन को बाहर कर देते, ऐसी विषय ऐसी मुद्दे पे होना चाहिए। मैं माफ करेंगे, सब प्रवक्ताओं से उस पर भी बात करना है, मगर ठीक है, उस पर भी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी फिलहाल इसी पर बात करें। प्रियंका, चाइना एनसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ठीक है, वो आपसे सहमत थी, तमाम बातें जो प्रियंका आपने कही चाइना उससे सहमत थी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसमें अगर ड्रेस कोड की बात हो रही है तो फिर इसमें पुरुषों की भी बात की जाए। रावत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि लुंगी तो हमारी परंपरागत वेशभूषा है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो तर्क रावत जी दे रहे हैं, क्या वो आप उससे सहमत हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर महिला रिवीलिंग जरा सा कपड़ा पहनती तो उनका ध्यान भटकता है, यानी पुरुष लुंगी पहने तो महिला का नहीं भटके? प्रज्ञा जी शांति, प्रज्ञा जी लगता है आपने दूसरे प्रवक्ताओं को सुना ही नहीं, आप हर लोगों पे आरोप लगा रही हैं, हर प्रवक्ता पे आरोप लगा रही हैं, अगर आपने सुन लिया होता हम क्या कह रहे थे? प्रज्ञा जी आप शांति से धैर्य सुनिए, आप सुन लीजिए प्लीज, अरे आप सुनिए ना, सवाल मुझसे पूछा गया है आपसे नहीं। प्रज्ञा जी आप पहले इसी प्रसंग पर बात कर लिए, क्या लेकर के बैठ गई हैं आप? प्रियंका से बात हो रही है, ये जो अभी यहाँ पर ड्रेस कोड की बात हुई आप उसी पे बात कर लीजिए ना। रावत जी रुकिए, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ। प्रज्ञा जी, प्रियंका अपनी बात रख ले, ठीक है प्रियंका अपनी बात रख ले, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उस पर जब चर्चा होगी तब आप बोलिए। प्रज्ञा जी ऐसा है, प्रियंका प्रॉपर्टी राइट्स का मुद्दा हो, महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा हो, महिलाओं के मंदिरों की एंट्री का मुद्दा हो, महिलाओं की मस्जिद की एंट्री का मुद्दा हो, महिलाओं पे अत्याचार का मामला हो, मैं सबसे आगे उसमें बोली हूँ और हर बार बोली हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है और मैं फिर से दोहराऊंगी क्योंकि आप शायद सुन नहीं रही थी, कि यहाँ पे धर्म को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। आपने जो मुझसे सवाल पूछा, हाँ बिल्कुल, अरे आप प्लीज चुप रहिए यार, डिस्क्रिमिनेशन, अरे जब आप बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था, अब आप सुन लीजिए। नवजोत जी आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं शाइना जी से भी बिल्कुल सहमत हूँ, ये महिला लिबर्टी करके, महिला हक करके, शाइना जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ।
जहां पर जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, तो हर पुरुष जो शर्ट खोल के क्यों जाना है? मेरा बेटा 10 साल का रो रहा था मंदिर के सामने, माँ मैं मेरा शर्ट नहीं उतारूंगा। उसके लिए नॉर्थ इंडिया में जो पलने वाले बच्चे को साउथ इंडिया मंदिर लेके गए, तो मैं दर्शन बाहर से मत्था टिकवाई क्योंकि मेरे ये बच्चे धर्म की मुझे है और धर्म में विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार की मैं किसी महिला की ना सुनूं, मैं ही जेंडर जस्टिस की इकलौती क्वीन हूं। नहीं, ये कैसे मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग उस मुद्दे में? प्रज्ञा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे पहन के यहाँ आके बैठूंगी नाइटी में, नवजोत जी प्रज्ञा जी मेरे को आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप ऐसी बोलेंगी। माफी चाहूंगी, आपको ऑडियो डाउन कर रही हूँ क्योंकि आप दूसरों को नहीं बोलने दे रही। मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे, जरा दूसरों की बात भी सुनिए। प्रियंका, नवजोत जी, मैं आपकी बात से, शाइना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर कोई नियम कानून बनते हैं, हर तरीके के नियम कानून होते हैं, हर जेंडर को लेकर होते हैं, आदमियों के लिए भी होने चाहिए, महिलाओं के लिए भी होने चाहिए, पर नियम जो बनते हैं उसका पालन करना जरूरी है। हर नियम को हम बार बार चैलेंज करेंगे और हम सिर्फ इसी मुद्दे से देखेंगे कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या धर्म के धर्म है जो मंदिर है जो रोक रहा है वो धर्म की वजह से रोक रहा है, ये बहुत गलत होगा। जैसे आपने एक सवाल पूछा कि हमारे धर्म के कोई ग्रंथ नहीं कहता है क्या पोशाक पहननी चाहिए क्या नहीं पहननी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ हर चीज को धर्म विशेष बनाना जरूरी नहीं है, हर चीज को जेंडर जस्टिस के बारे में जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने एक रूल बनाया है महिलाओं ने जोड़ा तो आदमियों पर भी लागू होना चाहिए कि आप लोग भी सभ्य कपड़े पहनकर आए या जो भी कपड़े सूटेबल हो वो पहन कर आए। अरे लेकिन जो ठीक है, जो सूटेबल हो रावत जी आप बताइए। ठीक है अखिलेश जी, शास्त्र है। प्रियंका जी आपने कहा कि जो कपड़े सूटेबल हो, मैं डिबेट नहीं करना चाहती। प्रियंका जी आपने कहा कि जो कपड़े सूटेबल हो वो पहन कर क्या आइए, संभव है धर्म के मामले में? नहीं नहीं, क्या ये संभव है धर्म के मामले में जो आपने कहा जो कपड़े सूटेबल पहन कर क्या आइए? अगर आपको पूजा में बैठना है, पंडित जी पूजा कराते हैं तो आप धर्म में नहीं बैठ सकते, आप इस प्रकार के कपड़ों में नहीं बैठ सकते, आपको खुले कपड़ों में बैठना ही पड़ेगा जिससे आपके शरीर के अंदर आसानी रहे और आपको कोई तकलीफ ना हो। डिसाइड करेंगे रावत जी कि वो खुले कपड़े कौन से होंगे जिसमें महिला अगर सलवार कमीज में कंफर्टेबल है आप दोनों से मैं हाथ जोड़कर कहती हूं, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, सलवार कमीज पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, ये हमारी ड्रेस है, स्कर्ट हमारी ड्रेस नहीं है, मैक्सी हमारी ड्रेस नहीं है, छोटे कपड़े हमारी ड्रेस नहीं है, इससे धर्म का नुकसान होता है, पैंट शर्ट हमारी ड्रेस नहीं है, जीन्स हमारी ड्रेस नहीं है, इनको पहन करके आप पूजा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बैठ करके पूजा होती है धर्म के अंदर, और जो विदेश होती है खड़े होकर के प्रे करते हैं वो लोग, बैठ करके नहीं करते, इसलिए वहाँ जीन्स का प्रावधान रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर खुले कपड़ों का, इस तरह के कपड़ों का विधान है जो आराम से आप पूजा कर सकते हो। पुरुष पैंट शर्ट पहन के मंदिर नहीं जाएंगे, कभी की गई किसी मंदिर के बारे में बताइए कि वहाँ? देखिए, अगर आपको ध्यान की अवस्था में बैठना है तो पैंट शर्ट में आप ध्यान नहीं लगा सकते हो, ना पूजा कर सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। लगाइए बोर्ड वहाँ पे कि पुरुष ये ड्रेस पहन कर ही मैं कह रही हूँ। हम पहले जब पूजा करवा देते हैं बोलते हैं कुर्ते पाजामे पहन के आइए या धोती कुर्ता पहन करके आइए, आप पैंट और या इस तरह के कपड़ों में नहीं आएंगे। हम पहले बोलते हैं, पूजा से पहले बोलते हैं, चाहे मंदिर में पूजा हो चाहे हमारे हम पर्सनल पूजा कराते हैं, किसी यजमान के यहाँ जाते हैं तब भी हम बताते हैं नहीं पहनेगा। यही मैं कह रही हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं, देखिए राजनीतिक पार्टियां जो बात करती है ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए, औरतों की इतनी खराब स्थिति है, लेकिन हमारी राजनीतिक औरतों की सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति है, सिर्फ उसको आपको समझने की आवश्यकता है। आप बार बार लुंगी की बात लेकर के बैठी हुई है, लुंगी हमारे यहाँ पर विधान है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो कपड़े सिले हुए नहीं पहनते, और हम सबसे ज्यादा स्त्रियों की इज्जत करते हैं, हम नहीं चाहते कि उनका कोई भी बदन का हिस्सा दिखाई दे, पूजा के टाइम पे दिखाई दे या मंदिर में दिखाई दे। गाउन पर गदर, इसी पर कर रहे हैं चर्चा, तो क्या पूजा स्थलों पर महिलाओं पर ही पाबंदी होनी चाहिए या फिर पुरुषों पर भी होनी चाहिए? रावत जी, मैं एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। महिलाओं पर भी होनी चाहिए और पुरुषों पर भी है, जो पुरुष अच्छा, महिलाओं पर होनी चाहिए पुरुषों पर नहीं, यानी कि आप ये मानते हैं कि उनको जरूरत नहीं है? जितने भी जैनी लोग हैं वो सब अपनी एक धोती के अंदर जाते हैं, सिस्टम से जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं और हम भी अगर जाते हैं तो सिर के ऊपर रुमाल रख के जाते हैं, बाकायदा अच्छे कपड़ों में जाते हैं, पूरा बदन को ढक के जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं या ऐसे ही कपड़े हैं तो चले गए,
उसको भी वहां समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। हाँ। इसलिए हम कोई महिला विरोधी नहीं, हमारे यहाँ तो महिला पूजनीय है, हम तो चाहते हैं जाएं, लेकिन इस तरह के जो पश्चिमी कपड़े हैं वो ना पहन करके जाएं, जिससे ये आपका ध्यान और अच्छा बढ़ेगा। ये ना जो हिंदुस्तानी पोशाक है वो पहन कर जाएं, बिल्कुल वही तो। ये बात लिखनी चाहिए। अब लिखने के उस बात का बतंगड़ तो नहीं बनाया जा सकता, उन्होंने मैक्सी लिख दिया है ना, बात तो वही कहने की है कि आप सब सोचिए ना, जो वहाँ की स्थानीय महिलाएं उनके मन पे क्या बीतेगी अगर इस तरह की बातें आप लिखते हैं, तो क्या बीती है? मैं अखिलेश जी आपसे जानना चाहूंगी जी, क्या पाबंदी सिर्फ महिलाओं के लिए या दोनों के लिए? सुनिए, महिला और पुरुष एक दूसरे के पहलू हैं, न तो बेगर महिलाओं का और न तो बेगर पुरुषों का संसार चलने वाला नहीं है, इसलिए महिला और पुरुष में भेद ही नहीं है, क्योंकि कोई मेरी बहन है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बेटी है, यदि उसका कहीं अपमान होता है, एक पिता होने के नाते मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, एक भाई होने के नाते नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि महिला का अपमान होना ही नहीं चाहिए, पूजा जा रहे हैं, कहीं भी जी। जो स्थान होते हैं उसकी वरीयता होती है, उस प्रकार के वस्त्र पहने जाते उसकी हैं, मर्यादा का ख्याल रखते हुए। ठीक है, शानन सी मुझे लगता है कि मर्यादा का ख्याल रखना हर एक व्यक्ति स्वयं जानता है और जानना चाहिए, महिला हो या पुरुष। हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि पुरुष ने कुछ पहना तो महिला कुछ क्यों नहीं पहन सकती। मैं मानती हूँ कि जब विश्वास का मुद्दा उठता है तो हम सब जानते हैं कि किस ढंग से मंदिर में पेश आना चाहिए। जो कोई उसूल है वो सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप तक सीमित नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप कोई टिप्पणी करते हैं महिलाओं के प्रति, तो ये कहिए कि भारतीय पोशाक पहने या फिर जो सभ्य है वो पहने, और इसके साथ साथ ये सेम टिप्पणी आप पुरुष के लिए भी कीजिए। हम कोई स्पर्धा में नहीं है, और फ्रेंकली मुझे नहीं लगता है कि ये कोई विवाद का मुद्दा है। हाँ। क्योंकि हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति जानता है या जानती है कि उनको किस ढंग से पेश आना चाहिए। हम समाज में रहते हैं और वो समाज की लिहाज करते करते भगवान का जिस ढंग से सम्मान करना चाहिए वो हर एक व्यक्ति जानता है। इसमें कोई सीख की आवश्यकता नहीं है, पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। हाँ। ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होने की आवश्यकता जी। प्रियंका, ये आखिरी रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल शायना जी की बात से सहमत हूँ कि सब जानते हैं कि कौन सी जगह पे क्या कपड़े पहने जाते हैं, क्या पोशाकें पहनी जाती हैं, और ये भी सब जानते हैं कि अगर किसी जगह का नियम कानून है तो उसका सम्मान करना भी जरूरी है। अगर वो नियम कानून जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है तो हाँ, सवाल उठ खड़े होते हैं, पर ऐसी चीज़ों में कि क्या कपड़े पहने जाते हैं और क्या सभ्यता होती है, क्या नियम कानून होते हैं, उसका भी मान रखना ज़रूरी है। ठीक है, मनीषा आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सारे लोग बहुत ही डिज़ाइनर बात कर रहे हैं, और ये बात करके कि जहाँ जैसे कपड़े पहने जाने चाहिए, ये मानी सी बात है, जहाँ जैसा कपड़ा पहना चाहिए, कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाएगा जो कि आपत्तिजनक हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात नवजोत यही है कि क्या पुरुष हमेशा ये तय करते रहेंगे औरतें कहाँ क्या कपड़ा पहने, औरतें कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें? आप तय करके दे दो, आप पुरुषों के पीछे पड़ी हुई हैं तो आप तय करके दे दो कि ये कपड़े यहाँ पहनने चाहिए। आपके लिए कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। टीवी से बता दो, आपने अभी यहाँ पर आपने जो पोशाक पहन रखी है, आप सबको बता दो पोशाक ट्रेडिशन हो जाएगी। दो बातें जो निकल कर आई हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ हैं, अगस्ता पर काफी हंगामा मचा है, लेकिन आज पहली बार दोनों की आवाज एक सुर में नजर आ रही, प्रियंका और शायना एनसी की। खैर, इसके अलावा एक चीज है कि आप अगर सभ्य परिधान की बात करेंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा शायना एनसी ने भी, प्रियंका ने भी, मनीषा जी ने भी, कि हर महिला को पता होता है कि वो कहाँ जा रही है, किस भाव से जा रही है, तो उसी हिसाब से खुद को तैयार करके जाती है, और वहां पर बकायदा लिखने की शायद जरूरत नहीं। अगर आप लिख रहे हैं तो ये रूल सब के लिए होना चाहिए और किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं होना चाहिए। मुद्दा मैं अभी के लिए।